कहते जी कि पाकिस्तान में जो उलमा आकर अपने बयान करवाने के लिए पैसे लेते हैं, क्या ये उनके लिए हलाल है? भाई उसूली बात यह है कि दीन के एवज पैसे लेना तो हराम है, इसलिए कि कुरान मुकद्दस में भी यही है कि हर पैगंबर ने यही कहा अपनी कौम से कि ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मुझे इस पर कोई उजरत कोई चीज तुमसे नहीं चाहिए। इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर जो है मेरे रब पर है, वो मुझे अता फरमाएंगे। तो लिहाजा शरीयत में दीन की तबलीग पर पैसे लेना ये बिल्कुल नाजायज है। हाँ, एक ये होता है कि एक आदमी आया तकरीर की, आपने जो कुछ दिया उसने ले लिया, उसने नहीं पूछा कितने हैं कैसे हैं, बगैर यानी फिक्स किए हुए, बगैर पूछे हुए, बगैर गिने हुए, वो जायज है। वो एक बड़ा मशहूर वाक्य है, मौलवी इस्माइल थे, एक मर गया तो, वो शिया का सबसे बड़ा आलिम था, हुआ असल बदबख्त वो देवबंद में पड़ा था, बाद में पता नहीं किसी औरत के चक्कर में आके वो शिया बन गया। बहरहाल अब तो उसके मुकद्दर में यही था। एक दफ़ा मुझे मिला ट्रेन में, इत्तेफाक हो गया कि एक ही डब्बे में हम आ गए। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तुम इतने बड़े आलिम हो, देवबंद से पढ़े हो, तुम्हें पता नहीं है कि शिया मज़हब गलत है? उन्होंने कहा बाकी साहब मुझे पता है, लेकिन सुन्नी जो है ना तो औरत देते हैं ना पैसे देते हैं, इनमें देखे मेरी अभी 9 औरतें हैं और मैं जहाँ चाहूँ मुता कर लूँ, कोई रुकावट नहीं है, और हर जलसे में हर उसमें मैं बाकायदा मेरा 10,000 रुपया फीस मुकर्रर है, तुम तो 10 रुपए भी नहीं देते हो, इसलिए मैं ये वक्ती तौर पर, मैं भी जानता हूँ ये मज़हब गलत है, इंशाअल्लाह मरने से पहले मैं तौबा कर लूँगा। मैंने कहा खुदा के बंदे पता नहीं तौबा का टाइम ही ना मिले फिर क्या होगा, अभी तौबा करो मरने से पहले कर लोगे। अच्छा, खुदा की शान ये है कि उस जिस बस में जा रहा था, बस का टक्कर हुई, वहीं फौत हो गया, जबान हिलाने का मौका ही नहीं मिला। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करे। तो इसलिए याद रखें कि बग़ैर किसी चीज़ के तयशुदा, बग़ैर फिक्स करने के, आजकल जो मौलवी फिक्स करते हैं इनको तो मेरा मशवरा है कि तकरीर के लिए बुलाया ना करें, जब नहीं बुलाएंगे ना खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे।